हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तो फाइनल जाके के वीआईटी का फेज थर्ड भी ओवर हो चुका है, फेज थ्री का सीट अलॉटमेंट आ चुका है। आप में से काफी बच्चों का सीट अलॉट हो गया होगा, काफी बच्चों का सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गया उनके मन में ये डाउट है कि सर आगे का नेक्स्ट का प्रोसेस क्या है। जिन बच्चों का सीट अलॉट नहीं हुआ है उनके मन में ये डाउट है कि सर मैंने क्या गलती किया हूँ, या फिर फोर्थ फेज में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कट ऑफ क्या गया है, किस रैंक तक में बच्चों को जो है वो सीएससी ब्रांच सीएससी का स्पेशलाइजेशन अलॉट हुआ है। हर एक कैंपस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कितनी सीट्स वैकेंट है, फेज फोर का स्केड्यूल क्या होगा, डिटेल बातें हम लोग कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वैकेंट सीट्स, कितने सीट्स वैकेंट है, क्या सीएससी सीएससी स्पेशलाइजेशन के अवेलेबल है, क्या अभी भी किसी कैंपस में सीएससी हमें मिल सकता है, कट ऑफ क्या गई है फेज थ्री के लिए, कट ऑफ क्या जा सकती है फेज फोर के लिए, सारी बातें हम लोग कर लेंगे। फेज फोर का स्केड्यूल क्या होगा, हर एक चीज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करते हैं कि फेज थ्री का क्या कट ऑफ गया है, ठीक है। तो कट ऑफ जानने के लिए जो है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा पर्सनल काउंसलर सपोर्ट भी चल रहा है, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो रखे हैं, 100 प्लस स्टूडेंट हमारे पास अभी तक आ चुके हैं, 100 प्लस स्टूडेंट का जो है वो सीट अलॉट भी हो चुका है, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट का तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन लगभग मैं आप लोगों को 15 से 20 बच्चों का बताऊंगा कि उनको क्या अलॉट हुआ है और किस रैंक पे उनको कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, किस कैंपस में हुआ है, ठीक है, ताकि उसे हमें एक आइडिया लग पाएगा कि बेसिकली जो कट ऑफ है वो कहां से कहां तक जा रही है, किस रैंक में लाइक कर रही है, एंड जाकर हम लोग वैकेंसी में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो बच्चों, एक स्टूडेंट हमारे पास अमोघ नाम है उसका, ठीक है ना, उसको सीएससी ब्रांच मिला है, ठीक है, एपी में मिला है, अमरावती में कैटेगरी 2, ठीक है। अब देखो यहां पे जाकर कि इसके हिसाब से मत समझना, क्योंकि यहां पे अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग ड्रीम होता है, किसी का क्या होता है भाई अच्छा ब्रांच लेना होता है, किसी का जो है वो अच्छा कैंपस लेना होता है, कोई अपने लोकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो पहले सबका सुन लो, फिर मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि क्या कट ऑफ गया है, किस ब्रांच का, किस कैंपस में, ठीक है। सो इस बच्चे को जो है बेसिकली 60,000 रैंक था इसका, सेक्शन 1935, इस पे जो है उसको एपी में कैटेगरी 2 में सीएससी ब्रांच अलॉट हुआ है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा वो देवेश नाम है उसका, उसको जो अलॉट हुआ है वीआईटी चेन्नई में हुआ है, त्रिपल्ली ब्रांच हुआ है, कैटेगरी 2 में हुआ है, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसका नाम दीपक है, उसको सीएससी जो है वो अलॉट हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर की बात कर रहे हैं, भोपाल कैंपस में कैटेगरी 1। इस बात को ध्यान रखो कि इस बच्चे का रैंक जो है वो 50,404 था, यानी कि 50,000 रैंक पे भोपाल कैंपस में सीएससी कोर ब्रांच मिला है कैटेगरी 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं 50,000 पे अलॉट होगा भी कि नहीं होगा, यहाँ पे कैटेगरी 1 में अलॉट हुआ है, वो भी सीएससी कोर, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है जितने नाम है उसका, ठीक है, उसको वेल्लोर कैंपस चाहिए था मेन कैंपस, तो वेल्लोर कैंपस में उसको केमिकल इंजीनियरिंग मिला है कैटेगरी 1, ठीक है, रैंक था इसका 64,500। तो इसे ये समझ में आता है कि वेल्लोर कैंपस में फेज 3 में जिस बच्चे का रैंक है वो 65,000 के अप्रोक्स था, उसको कैटेगरी 1 में केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है अभी वैकेंट होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो स्टूडेंट था उसका नाम ऋषि था, उसको भी भोपाल में सीएससी कोर मिला है, कैटेगरी 2 मिला है, इसका रैंक 61,471 था, ठीक है। हमने कैटेगरी 1 की बात किया था, 50,000 से स्टार्ट हो रहा है एक हिसाब से, है ना, और कैटेगरी 2 जो है बच्चों को मिला है भोपाल में कोर सीएससी, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि लगभग 50,000 से लेकर के 55,000 तक में जो है वो भोपाल में सीएससी ब्रांच कोर मिला है, ठीक है ना, कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं, और 55 से अबव यानी कि लगभग जो है वो 65,000 के अप्रोक्स जो है वो बच्चों को कैटेगरी 2 में सीएससी कोर मिल रहा है भोपाल में, ठीक है, ये समझ में आ गया है। जो स्टूडेंट है उसका नाम देविका है, उसको वेल्लोर कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिला है कैटेगरी 4, ठीक है, इसका रैंक जो 55,114 था, इनको मेन कैंपस चाहिए था, इन्होंने कैंपस को प्रायोरिटी दिया था, इसीलिए वरना इसको भी जो भोपाल में सीएससी कोर मिल जाता कैटेगरी 1 में, ठीक है। बेसिकली फेज 2 में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वेल्लोर कैंपस में जो है वो ईसी ब्रांच कैटेगरी 3 तक फिल हो चुका था, कैटेगरी 4 अवेलेबल था, ठीक है ना, और कैटेगरी 3 तक में हमारे स्टूडेंट का रैंक 43,000 के अप्रॉक्स था, उसको मिल गया था, ठीक है। और फेज 4 में ये देखने को मिल रहा है कि 55,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिला है कैटेगरी 4, इसका मतलब ये है कि ईसी ब्रांच जो है वो लगभग 50,000 तक में गया है, ठीक है ना, 47,000-48,000 के आसपास में गया है, ये आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नाम है रोहन है, उसका रैंक 55,692 है, इस रैंक पे बच्चों को मिला है वेल्लोर मेन कैंपस मिला है कैटेगरी 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका भी आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नाम गरीत है, उसको सीएससी मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भोपाल में कैटेगरी 1, 57,074 इसका रैंक था, ठीक है ना। बेसिकली ये जो स्टूडेंट था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को जो है प्रायोरिटी दे रहा था, तो ये समझ में आ रहा है कि 57,58,000 तक में जो है कैटेगरी 1 में सीएससी और सीएससी का स्पेशलाइजेशन मिल रहा है भोपाल कैंपस में, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो एक स्टूडेंट था हमारा अंकित नाम है, 50,000 रैंक था, 50,593, इसको भी सीएससी भोपाल कैटेगरी 1 मिला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम सुजल है, ठीक है, उसका 60,000 रैंक है, उसको वेल्लोर कैंपस यानी कि मेन कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है कैटेगरी 1,
तो इसे ये समझ में आ रहा है कि लगभग लगभग 60 से लेकर 65 हज़ार तक में जो है वो मेन कैंपस यानी कि वेलोर कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है कैटेगरी वन में, ठीक है। तो अगर आप मेन कैंपस यानी कि वेलोर कैंपस को प्रायोरिटी दे रहे हो तो 70-75 हज़ार रैंक आप लोगों का है, तो कैटेगरी टू तक में आप लोग का अलॉट हो जाएगा लोअर ब्रांच। ये अभी अवेलेबल होगा क्योंकि 70 हज़ार रैंक तक भी जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पा रहे थे फेज थ्री में, ठीक है। ये भी बात हम लोगों ने कर लिया है, तो बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि क्या कट ऑफ गया है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप लोगों का रैंक जो है वो 80,000, 90,000, 1,00,000 है तो आप लोगों को सीट कैसे मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि फेज थ्री तक ओवर हो चुका है, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों को एडमिशन लेना है ना, तो उसके लिए हमारा पर्सनल काउंसिल सपोर्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 100+ स्टूडेंट्स में इनरोल हो चुके हैं और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आया है सभी का हमने सीट आउट करवा दिया, ठीक है। चाहे 50,000, 55,000, 60,000, 65,000 ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, अब जाके आप लोग में से ऐसे स्टूडेंट जिसका 1,00,000 रैंक है, 90,000, 80,000 सभी का हम अलॉट करवा देंगे, ये 100% है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फीचर रीड कर लो और बाय कर लो। अभी इसका प्राइस सिर्फ 1499 है कि 1499 है, ठीक है, लेकिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब 1499 जो प्राइस है वो आप लोगों का तब तक है जब तक कि फेज फोर का चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। फेज फोर का जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 5th of August से स्टार्ट होगा, तो 5th of August से पहले पहले अगर आप लोग बाय कर लेते हो तो आप लोगों का जो इसका पे करना पड़ेगा फी वो है 1499, ठीक है, नहीं तो उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ध्यान से बाय कर लो। जैसे कि आप लोगों को बताए हैं कि अभी आप लोग सर्च मारोगे तो VIT के लिए जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रेगुलर आप लोगों को अपडेट दे रहा है, सारी चीजें बता रहा है, काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेलिस्ट भी चेक कर लो, शुरू से लेकर के हेल्प कर रहे हैं, और जो चैनल पहले डाल भी रहे थे वीडियो उन्होंने भी छोड़ दिए, लेकिन हम लोग आप लोगों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई शुरू से लेकर लास्ट तक में बच्चों का हेल्प करना चाहिए। सारे चैनल वाले जो है वो अच्छे अच्छे बच्चों का हेल्प कर देते हैं, जिनका रैंक लो है उनका कौन हेल्प करेगा, तो उनके लिए हम है, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लो, सिर्फ और सिर्फ 1499 है। यहाँ आप लोग 2-3 लाख रुपए एक साल का पे कर रहे होंगे, क्या जो है वो 1499 रुपीज भी पे नहीं कर सकते हो पूरी काउंसलिंग के लिए, लेकिन ये क्या एक बार बाय करते हो तो 100% आप लोग का सीट हम अलॉट करवा ही देंगे, ठीक है ना। 100% सीट आप लोग का अलॉट हो जाएगा, जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि एक बार बाय करने के बाद जाकर के आप लोग का सारा प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, आप लोग का चॉइस में सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लो, 5th of August तक का टाइम है, 1499 प्राइस है, वरना उसके बाद जाके प्राइस बढ़ जाएगा। इसका प्राइस पहले 53 हुआ करता था, आप इसे बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ चुका है ना, उसी तरीके से अभी बाय कर लोगे नहीं तो अगर उसके बाद जाके इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और फेज फाइव में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तभी अभी से बाय कर लो, क्योंकि उसका प्राइस उस टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जल्दी से फीचर एडिट करके बाय कर लो। जैसे बाय करोगे इंस्टेंट कॉल आएगा, कॉल करने के बाद सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कॉल पे और बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इन सब के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कट ऑफ गया है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि अगर भोपाल में आप लोग जा रहे हो, भोपाल में अभी सीएससी का स्पेशलाइजेशन, अमरावती में सीएससी, ये अभी अवेलेबल है, काफी ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि फेज थ्री में ये देखने को मिला है कि लगभग लगभग 50,000 से लेकर 57-58,000 रैंक था बच्चों को भोपाल में सीएससी का स्पेशलाइजेशन जो है बेसिकली कोर सीएससी मिल रहा है कैटेगरी वन में, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जो है वो 60,000 के आसपास जा रहे हैं तो कैटेगरी टू में शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है वो कैटेगरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सीएससी का स्पेशलाइजेशन आराम से अवेलेबल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है। चेन्नई और वेलोर की बात करेंगे, वहां पे सीएससी और सीएससी का स्पेशलाइजेशन जो है फेज टू में ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है। ईसी बचा हुआ था, ईसी जो है वो कैटेगरी फोर कैटेगरी फाइव वाला अवेलेबल था फेज थ्री में, हमने ही चॉइस पर नहीं किया था, अब वो भी ओवर हो गया होगा। तो बात यह है कि अगर आप लोग मेन कैंपस वेलोर कैंपस को अगर प्रायोरिटी दे रहे हो तो वहां पर आप लोगों को लोअर ब्रांच देखने को मिलेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारे केमिकल, ये सब देखने को मिल जाएगा, वो भी आप लोगों का कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री तक में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द रैंक, ठीक है। सो ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी जगह के भोपाल और अमरावती में अभी सीएससी आराम से खाली है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात कर लिया, वैकेंट सीट के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेज फोर का स्केड्यूल क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली फेज फोर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है फेज थ्री के बाद जाकर के। अब यहाँ पे जाकर के ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक 70,000 से एवं यानी कि 70,000 एक से लेकर के 1,00,000 रैंक तक है वो सभी के सभी फेज फोर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1,00,000 से एवं रैंक है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो फेज फाइव में पार्टिसिपेट करेंगे, ये समझ में आ गया है। बाकी जाकर के आप लोगों को पता ही है कि काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों का जो है वो 5900 रुपीज का फी पे करना होता है, विच इज द नॉन रिफंडेबल, ठीक है। तो आप लोगों को पे करना होगा, वो पे करने का जो लास्ट डेट है वो 4th of August है। अगर नहीं पे करोगे तो फिर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो 4th August यानी कि 4 अगस्त के शाम के 5 बजे तक का समय दे रखा है, ध्यान से आप लोग पे कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग पे कर लोगे, पे करने के बाद आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, जो कि आप लोगों का स्टार्ट होगा 5th of August से लेकर 6th of August के बीच में। 5th of August की जो है वो मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट होगा और 6th of August के इवनिंग में 5 PM तक चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जाके आप लोगों का सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 8th of August 2022 को होगा फेज फोर का। एंड देन जाके सीट अलॉटमेंट होने के बाद जाके कि ऐसे स्टूडेंट जिसको सीट अलॉट नहीं होता है वो नेक्स्ट फेज में ऑटोमेटिकली चले जाता है, और ऐसे स्टूडेंट जिसको सीट अलॉट हुआ है उन सभी को एडवांस फी पे करना होता है, जो कि आप लोगों का 8th of August से लेकर 16th of August तक में पे करना होगा, ठीक है। बाकी जाके लास्ट डेट फॉर बैलेंस
एडवांस फी पेमेंट जो भी रिमेनिंग फी बचेगा उसका जो लास्ट डेट होगा वो 29th of August 2022 का होगा, फेज फोर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफी बच्चों का ये भी डाउट होगा कि सर फेज थ्री में सीट आउट हो गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो सीट आउट में होने के बाद जाकर के आप लोगों को जो कि मैंने कहा फी पे करना होता है एडवांस फी पेमेंट, जो कि आप लोगों का पे करने का जो डेट है आज यानी कि 30th of July से स्टार्ट हो चुका है और 4th August तक में आप लोगों को पे करना है। देन जाके आप लोगों का जो लास्ट डेट फॉर बैलेंस फी पेमेंट जो रिमेनिंग फी होगा वो पे करने का जो लास्ट डेट होगा वो 18th of August होगा, तो ये भी ध्यान से पे कर ले। उसके बाद जाके आप लोगों का फेज फाइव स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जो है वो 1 लाख से अबव रैंक वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन वहां पे आप लोगों को वेल्लोर और चेन्नई कैंपस नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली फेज फाइव में ऐसे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ भोपाल और अमरावती के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली हमने सारी बातें कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया कि कट ऑफ क्या गया है, वैकेंट सीट कहाँ अवेलेबल है ना, साथ में आगे फेज फोर का शेड्यूल क्या होगा, सारी बातें कर लिया। इसके अलावा अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जिन बच्चों का रैंक जो है वो थोड़ा लो है यानी कि जो है वो 70,000, 80,000, 1 लाख है, उन बच्चों का कोई हेल्प नहीं कर रहा होता, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।